अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल ड्रीम व्लॉग्स एंड रिव्यू। मैं हूं बुशरा और मैं फिर से लेकर आ गई हूं आप सबके लिए एक फूड व्लॉग। और मैं गई थी डिनर पे और जहां पे मुझे जाना था वहां पे काफ़ी रश था, तो मुझे सडनली दिखा परेड दरबार। एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है परेड पे, बाबा जान के जस्ट सामने ही परेड दरबार। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे फूड ट्राई किया जाए और आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, कैसे यहाँ का प्राइस एम्बियंस एंड फूड मैं सब बताऊंगी आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो मैं लेके चलती हूँ आपको यहाँ पे। तो ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 3 से 4 टेबल्स ही हैं यहाँ पे, आप देखेंगे अभी। तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली आने वाली है तो उनके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एज अ कपल आएंगे, 2 से 3 लोग आएंगे, तो आप यहाँ का फूड इंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने की रेस्टोरेंट के बाद, अब यहाँ बात करती हूँ मैं फ़ूड की। तो खाने में ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, चिकन में सिर्फ चिकन कोरमा, बटर चिकन एंड मटन में भी सेम ऑप्शन थे, बस 2-2 ऑप्शन थे। तो हम मैंने सबसे पहले स्टार्टर ऑर्डर किया था अपना चिकन अफ़गानी, मेरा ऑल टाइम फेवरेट। तो चिकन अफ़गानी तो मुझे टेस्टी लगा था एंड प्राइस था इसका 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ में क्वार्टर हम लोग को मिल गया था, तो उसके बाद टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट हमने ऑर्डर किया बटर चिकन। यूजली मैं बटर चिकन नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है बटर चिकन, बट मैंने यहाँ पे ट्राई किया बटर चिकन और बटर चिकन काफ़ी टेस्टी था। यहाँ पे बहुत रिच फ्लेवर्स थे पीसेस, अगर मैं चिकन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे पीसेस भी थे। क्वान्टिटी आप देख पा रहे होंगे, ये हाफ हमने बटर चिकन लिया था, 380 का है ये बटर चिकन, और क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी थी, टेस्ट भी अच्छा था। तो दोनों चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। और उसके बाद मुझे कुछ नया ट्राई करना था, तो मैंने यहाँ पे ट्राई करा चाउमीन। तो मैंने यहाँ पे चाइनीज़ में चाउमीन एंड मैंने नेक्स्ट ऑर्डर दिया था चिली चिकन का, तो दोनों चीज़ काफ़ी टेस्टी थी, चाउमीन भी चिली चिकन भी। उसकी पिक मैं ले नहीं पाई बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे ये दोनों चीज़ काफ़ी पसंद आई थी। और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे अभी न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो अभी स्टाफ इतना ज़्यादा मुझे दिखा नहीं, तो अगर भीड़ नहीं होगी तो आपको सर्विस अच्छी मिल जाएगी, अगर भीड़ होगी तो हो सकता है आपको सर्विस थोड़ी स्लो मिले। और यहाँ पे सिर्फ एक ही भैया हैं जो सब कुछ बनाते हैं, यही बनाते हैं अकेले। तो खाना तो काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने और चाइनीज़ भी काफ़ी अच्छा बनाया था। टेस्ट एंड प्राइस तो बेस्ट है यहाँ पे। और यह है कि रेस्टोरेंट थोड़ा छोटा है, तो अगर आपकी ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर एज अ कपल आते हो तो आप बढ़िया यहाँ पे खाना एंजॉय कर सकते हैं अपने बजट में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा।